गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट वन लेके आए थे। कुल 8 क्वेश्चन वहां पे किए हुए थे। ये 9वें क्वेश्चन से जो शुरुआत पार्ट टू का होगा, उसका पहला क्वेश्चन ये रहा ना, क्वेश्चन नंबर 9। वो दोस्तों क्या है कि किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 महीने का मिश्र धन 42 रुपये हो जाएगा। तो आपसे सीआई पूछा जा रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको कह रहा है 50% रेट। दोस्तों 50% यानी 1/2, 1 वर्ष 4 महीना। दोस्तों 1 वर्ष के लिए तो यही रहेंगे, यानी 2, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 3। जबकि 4 महीने के लिए और कितना होगा, तो 4 महीने के लिए 4 महीने का निकालना दोस्तों, तो 4/12, 1/3, यानी 1/6 हो गया। यानी 6 रुपए पे 1 रुपया मिलेगा, यानी 7 रुपया। इस प्रकार से मूलधन और ये अमाउंट, ये कट रहा है दोस्तों, काट देंगे, ये 4 हो गया और ये 7 हो गया। तो दोस्तों वैल्यू कैसी दी है मिश्र धन की, वैल्यू 4200 मिश्र धन है, जो कि यहाँ पे 7 के बराबर है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कितना मिला, 3 मिला। तो इस प्रकार से सीआई जो होगा वो आपका 6×3=1800 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने का मिश्र धन 1600 रुपया हो जाएगा। तो वह धन पूछा जा रहा है, रेट 33.3। ये दोस्तों कितना होगा, 1/3। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उसको देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को आप जारी करिएगा। पहला वीडियो पहले देख करके तभी सेकंड वीडियो को चालू करेंगे, तभी बात आगे की समझ में आएगी। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन जरूर देखें। तो 1/3 हो गया दोस्तों, तो 3 रुपये पे 4 रुपया मिलेगा। ये तो 1 साल का था दोस्तों, 4 महीने का और मिलेगा, यानी 4/12। इसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर लिए दोस्तों, 1/3, यानी 3×3=9। इस प्रकार से 9 रुपये पे 10, 4 महीने, 1 वर्ष 4 महीने, 4×3=12, 3×3=9, 9 × 10, 9 तरीके दोस्तों कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 27 हो जाएगा, 4×10=40 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको 13 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। 1600 रुपया 40 के बराबर है, 1600 रुपया दोस्तों मिश्र धन है, जो कि 40 के बराबर है। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 40 के बराबर है। आपसे कह रहा वह धन ज्ञात करें, यानी 27 का गुणा कर देंगे तो आपका मूल धन निकल के चला आएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 27 चौका कितना होता है दोस्तों, 4×7=28, 2×4=8, 2×10 1080 कितना हो जाएगा, 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12/1/2 रेट हमारा 25/2 200। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1/8, यानी 8 रुपये रहेगा तो 9 रुपये, ठीक है। ये दोस्तों 1 वर्ष 8 माह, 1 वर्ष के लिए था, 8 महीने के लिए कितना, 8/12 का और गुणा कर दे, 4×8=12, 2×4 यानी 12 और 13 कितना हो जाएगा, 12 और 13 प्रिंसिपल अमाउंट, 3×3=9, 3×4=12। इस प्रकार से 4×8=32 और 13×3=39 दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, कितना दिया है 2100। यहाँ पे अंतर कितने का, 1,700 का, 2100 रुपये, 2100 रुपये 7 के बराबर है। तो आपसे मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछे जा रहे हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए फ्रेंड्स 3×32 का गुणा। इस प्रकार से आप पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर 9600। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन है, किसी धन का 33.1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है दोस्तों। महीने हुए थे, अब इस प्रकार से हमें दिन भी मिलने लगे है ना दोस्तों, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेट हमारा इस प्रश्न में 33.1% है, 33.1% 33.1% यानी 1/3, 3 रुपया होते 4 रुपया मिलता। तो दोस्तों 73 दिन का कितना मिलेगा, 73/1 एक वर्ष में कितने दिन, 365। महीने होते थे तो 12 से भाग देते थे, दिन है तो 365, 1/5 यानी 1/15, 15 होगा तो 16 प्रिंसिपल अमाउंट 45,64। चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपया है, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 190 रुपया है जो कि 19 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अतः धन ज्ञात करना है, 45 का गुणा मूल धन 450 रुपये इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेट हमारा 50% दिया है और इस बार ब्याज 2 वर्ष 73 दिन का दिया है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है। 50% यानी 1/2, 2 रुपये होंगे तो 3 रुपये हो जाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट, ऐसा 2 वर्ष तक तो ऐसे ही होंगे। जबकि 73वें दिन यानी 73/365, 1/5, 1/10 हो जाएंगे यानी 10 और 11 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, 2 2 के 4, 4 2 में 34, 3 3 का 9, 9 11 99, 2 2 के 4, 4 2 में 40, 3 3 के 9, 9 11 99 हो जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वह धन ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है, 590 रुपये ब्याज दिया हुआ है। इस प्रकार से 59 रुपया 59 के बराबर है, इस प्रकार से वह धन निकालना है मतलब मूलधन निकालना है, तो 40 का यानी मूलधन हमारा 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां पे इस बार आपको रेट जो है हर साल डिक्लेयर किया गया, मतलब अलग अलग डिक्लेयर कर दिया गया है ना, तो रेट आपका हर साल अलग अलग है। तो पहले वर्ष रेट जो था दोस्तों 33.1% यानी 1/3 था, जबकि दूसरे वर्ष 12.1% यानी 25/2 × 100 इस प्रकार से 1/8। दोस्तों पहले साल तो 3 रुपये पे 1 रुपये मिलने लगा, 4 रुपये हो जाएगा, जबकि दूसरे साल 8 रुपये पे 1 रुपये मिल रहा है, 9 रुपये हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये 4 2 के 8 कट गया, 3 3 के 9 कट गया, 2 और 3 तीर कटता है तो दोस्तों हम लोग काट देते हैं। इस प्रकार से मिश्र धन कह रहा है कि 3,900 रुपया हो गया, कितने के बराबर, 3,900 3 के बराबर। अतः मूल धन निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी 1:1 निकालना, 1 निकालना है। सीआई आपका 1,300 रुपया इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी कॉपी। आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको रेट जो है हर साल 3 सालों का है और अलग अलग है। देखते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वही रेट वाले जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट थे। तो पहले वर्ष के लिए यहाँ पे रेट 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए रेट दोस्तों 11/9 और तीसरे के लिए 10% है।
इस प्रकार से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700। तो कह रहा मिश्रधन बताएं। तो अगर 12 से 1/2% है यानी कहीं ना कहीं वो 1/8 है रेट दोस्तों। पहला 12 से 1/2% यानी 1/8। इसी प्रकार से 11 से 1/9 R2 जो होगा 11 से 1/9% यानी 100/9 × 100 कह सकते हैं 1/9 होगा। और इसी प्रकार से 10% का मतलब 1/10। तो दोस्तों हम देख पा रहे होंगे कि 8 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है यानी 9 रुपया हो जा रहा है। अगर यहां की बात किया जाए तो 9 रुपये पे 1 रुपया मिल रहा है 10 रुपया हो जा रहा है। 10 रुपये पे यहां 1 रुपया मिल रहा है 11 रुपया हो पा रहा है। कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल भी हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहा है और ये 11 हो जा रहे हैं। ब्याज जो दिया है 2700 दिया है, 3 का है, 2700 3 के बराबर। तो आपसे मिश्र धन यानी 11 की वैल्यू पूछे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे इस प्रश्न का उत्तर 9900 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। अभी पार्ट टू ये होगा, पार्ट 3 आपको नेक्स्ट वाले थोड़ी ही देर में मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।